जहन दोस्तों, सैनिकों के लिए जबरदस्त घोषणा, उठाएं फायदा। सम्मान राशि में बच्चों के रिजर्वेशन में माता पिता को सम्मान। जब इस तरीके का सम्मान की घोषणा होती है और जमीन के ऊपर जब सम्मान मिलता है तो सैनिक गदगद हो जाता है। उन्होंने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सैनिक कागजों पर रिटायर्ड होता है, जमीन पर वो सैनिक ही रहता है। और ये सारी घोषणा कहां हुई है, जरा छोटे छोटे में आपको वीडियो दिखाऊंगा। आप तो और उससे दो कदम आगे वाले लोग जो 142 करोड़ लोगों का जीवन धनी बनाते हुए आपने अपने जीवन का उत्कृष्ट समय दिया। और माता, ये नरेंद्र मोदी जी का समय है, हमें इस बात का भी आनंद है। और आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, वहां पर उन्होंने घोषणा की है कि आपकी पेंशन के अंदर बढ़ोतरी होगी, आपकी बेटी की शादी के लिए पैसा मिलेगा, आपके माता पिता को पैसा मिलेगा, आपकी बेटी सेना में पैसा मिलेगा, आपके बच्चे यदि इंजीनियरिंग करना चाहते तो अलग से सीट रिजर्वेशन होगी। वाह, यदि ऐसा उन्होंने आज प्रत्यक्ष रूप से घोषणा की है दोस्तों, और इसका हम भूरी भूरी स्वागत करते हैं, सल्यूट करते हैं इस पहल को कि आपने भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान इस कदर किया कि ये नहीं कि बल्कि भूतपूर्व सैनिक हों, सैनिक के साथ साथ उनके माता पिता, उनके बच्चे और उनकी सारी चीजों का आपने ख्याल रखा। शायद ये आपकी प्लानिंग बहुत सटीक है दोस्तों, और ये पहल और ऐसी चीज हर जगह होनी चाहिए। आखिर दोस्तों, आज का दिन था यानी 20 अक्टूबर ईएमई सेंटर बैरागढ़ के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर एक्सर्विसमैन की रैली थी। लगातार मैं आपको उसको वीडियो दिखाऊंगा। वहां के सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी ने क्या कहा कि सीधा माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश भूतपूर्व सैनिकों तक उन्होंने सुनाया। आखिर इसमें क्या क्या हुआ, बहुत सारी एक्टिविटीज हुई, आप समझ सकते हो। ईएमई बैंड हुआ, वहां पर जो एक सिख रेजिमेंट है, अलग अलग अपने सब लोगों ने प्रदर्शन किए, हौसला बजाई की, और अंत में बहुत सारी घोषणाएं की और पुरस्कार वितरण हुआ। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में सशस्त्र बलों सैनिकों के सम्मान में कल्याण में बढ़ोतरी हुई है, और लगातार ऐसे सेमिनार चल भी रहे हैं, ये बहुत अच्छी पहल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार ने आज 3 ईएमई भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान में कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में 102 रेजिमेंट इंजीनियर के जवानों ने सिख संप्रदाय की कुछ युद्ध शैलियों को का प्रदर्शन किया, और माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन के ऊपर अपना प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, मैं सेना को सशक्त बनाऊंगा जब ही भारत सशक्त हो सकता है। हथियारों की लिए बात की और तमाम चीजों की उन्होंने मुख्यमंत्री ने सेना के जवानों की तारीफ करते हुए कहा कि सेना का जवान कागज से तो रिटायर्ड होता है, सेवा से कभी रिटायर्ड नहीं होता। ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि बिल्कुल सेना का जवान अंत तक सेना का जवान की तरह जीता है। अब मुख्यमंत्री ने सैनिक कल्याण में अग्रणी, उन्होंने कहा सेवारत तथा सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक संचालन होगा और लगातार इसमें बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा यदि कोई सैनिक शहीद होता है तो 1 करोड़ की राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा सहायता राशि का आधा हिस्सा शहीद की पत्नी को, शेष माता पिता को दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त शहीदों के माता पिता को दी जाने वाली मासिक पेंशन 10,000 से 10,000 रुपए कर दी है। शहीद की पुत्रियों बहनों को भी विवाह में आशीर्वाद की राशि 51,000 दी जाएगी, यानी 1 करोड़ शहीद हो जाता है, उसके बाद माता पिता को भी 10,000, बच्चों को 51,000 और बहन को भी 51,000। हाँ जी, पेंशन बढ़ाकर 51,000। मध्य प्रदेश सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों उनकी पत्नियों की पेंशन 15,000 रुपए प्रतिमाह कर चुकी है, और उससे उन्होंने कहा इस तरीके का किया। पूर्व सैनिक बच्चों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में आरक्षण की बात कही है। उन्होंने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में पूर्व सैनिक के बच्चों को मेडिकल इंजीनियरिंग में अलग से आरक्षण दिया जाएगा। प्रदेश ने देश को 3 अशोक चक्र और 5 महावीर चक्र दिए, उनका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा इस सम्मान समारोह में भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि मध्य प्रदेश का वीरता और साहस का इतिहास बेहद समृद्ध है। राज्य ने देश को 3 अशोक चक्र, 5 महावीर चक्र और 23 वीर चक्र जैसे महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए हैं। पिछले 25 वर्षों में 100 से अधिक सैनिकों ने अपना सर्वस्व भारत माँ के चरणों में नौछावर किया है। कार्यक्रम के दौरान भूतपूर्व सैनिकों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा है कि वह कभी युद्ध नहीं जीत सकती। सुदर्शन चक्र कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रीतपाल सिंह ने मुख्यमंत्री
यादव की सकारात्मक सोच और सैनिकों के कल्याण के समर्पण की प्रशंसा की। यानी ये फॉर्मल स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन उन्होंने जो घोषणा की अद्वितीय है। बिल्कुल हर स्टेट के अंदर इसी तरीके की घोषणा, ताकि सैनिकों का जो मनोबल होता है वो सातवें आसमान पर होता है। अब आप देख सकते हो इनके साथ साथ वीडियो। आकाशवाणी में कार्यक्रम आता था आकाशवाणी का पंचरंगी प्रोग्राम, जिसमें विविध रंगों के साथ हमारे अपने सभी रंग के साथ उसके गानों का प्रसारण किया जाता और विविधता के भी कितने लोग हो सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में एक एक का अलग अलग प्रकार से आनंद ले रहा था, वाकई दिल जीत लिया। इतना सुंदर आयोजन आपने किया है, मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। और जो आपने कहा है कि सेना की वर्तमान जीत के लिए अगर आधार कोई बनता है तो उसका भूतपूर्व सैनिक होता है, वो अपनी मजबूत नींव से हमारी वर्तमान की सेना का हौसला बुलंद करता है। मैं सभी भूतपूर्व सैनिकों को बधाई देना चाहूंगा। हमारे गौरवशाली देश की गौरवशाली परंपरा, यद्यपि हम जिस संस्कृति को मानते हैं उस संस्कृति में तो हमारे लिए आने और जाने का क्रम भी नियत है, जो जन्मा है उसको जाना है। लेकिन आने और जाने के क्रम में हमारे लिए परमात्मा जो मौका देता है, उस मौके का सदुपयोग करके हम अपने जीवन को धन्य बनाए। लेकिन ये सामान्य व्यक्ति के लिए हो सकता है, आप तो और उससे दो कदम आगे वाले लोग जो 142 करोड़ लोगों का जीवन धन्य बनाते हुए आपने अपने जीवन का उत्कृष्ट समय लिया और वर्तमान के मंच को गौरवान्वित किया। मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वीरता का प्रतीक साहस का उचित सम्मान, भारत का हर वीर सिपाही मातृभूमि की शान है। और लास्ट साथ में एक और चीज, हाँ, पुलिस अधिकारी का एक वीडियो है, ये जरूर सुनना। यदि आप किसी, क्योंकि सैनिकों के साथ अक्सर फ्रॉड होता है, किसी न किसी चीज को लेकर फ्रॉड होता है, तो उन्होंने एक वीडियो जारी किया है कि आपको इस तरह के कॉल आते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। जरा इसको देखना। क्या आपने रिसेंटली कोई ऐसी कॉल रिसीव की है जिसमें कि कोई व्यक्ति आपसे ये कह रहा है कि आपके द्वारा कोई क्राइम किया गया है और उस क्राइम का पता उसे चल गया है, उस क्राइम के बारे में वो आपको कोई चिट्ठी लिख करके ये बताना चाहता है कि आपने जो क्राइम किया है उसकी इन्वेस्टिगेशन CBI, NIA इस तरह की कोई एजेंसी कर रही है? या आपने कोई ऐसा कॉल रिसीव किया है जिस कॉल में व्यक्ति आपको बता रहा है कि आपका कोई पार्सल कहीं पर अटक गया है क्योंकि आपके पार्सल में कोई अवांछित चीज़ पाई गई है? या आपने कोई ऐसा कॉल रिसीव किया जिसमें व्यक्ति आपसे ये कह रहा है कि आपको कुछ दिनों में ही जो पैसा आप लगाएंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको मिल जाएगा? या आपने कोई ऐसा कॉल रिसीव किया जिसमें कि व्यक्ति आपसे कह रहा है कि कोई परिजन आपका है जो कि उनके पास में है और इसके बदले में वो आपसे कुछ पैसे चाहता है? इस तरीके के बहुत सारे कॉल्स हैं जो लोगों को आ रहे हैं, लगातार इन कॉलों के आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। ये सभी फेक कॉल्स हैं। मैं कुंवर राष्ट्रदीप, जयपुर पुलिस एडिशनल कमिश्नर, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कृपया जब भी ऐसी कोई कॉल आपके पास आए उस कॉल को रिस्पॉन्ड करने से पहले अपने परिवार से डिस्कस करें। कोई भी सरकारी एजेंसी, विशेषकर पुलिस, CBI, NIA इस तरह की कोई भी एजेंसी इन माध्यमों से आपसे संपर्क नहीं करती। कोई भी व्यक्ति जो आपसे संपर्क कर रहा है वो निश्चित रूप से कोई फ्रॉड है और उसका एक ही पर्पज़ है कि किसी तरीके से आपसे पैसे निकाले जाएं। जब आप उस डर का शिकार हो जाते हैं जिस डर में वो व्यक्ति आपको ले जाना चाहता है, तो फिर अक्सर व्यक्ति अपनी सारी जमा पूंजी इन लोगों को दे देता है। और क्योंकि उसने किसी से डिस्कस नहीं किया होता है, इसकी सूचना किसी भी सरकारी एजेंसी, किसी भी पुलिस या फिर अन्य व्यक्ति के साथ शेयर नहीं होती जब तक कि वो क्राइम ही घटित नहीं हो जा रहा है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कृपया ऐसे किसी भी मैसेज को अपने तक सीमित नहीं रखें, अपने परिजनों से डिस्कस करें। 3-4 लोगों से डिस्कस होगा तो निश्चित रूप से कोई ना कोई सही रास्ता बताएगा और कोई ना कोई आपको पुलिस के पास लेकर आएगा। और हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ऐसे मैसेजेस पर रिप्लाई करना बेहद घातक है। इसकी इन्फॉर्मेशन आप हमसे शेयर करेंगे, हम उस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से उन लोगों के विरुद्ध जो भी उचित कार्रवाई है वो कार्रवाई करवाना सुनिश्चित करेंगे। इस तरह के किसी भी प्रकरण में कृपया डरे नहीं या लालच का शिकार नहीं हो, बल्कि इस बात को पहले ही अपने दिमाग में रखें कि ये आपके साथ में चीटिंग करने की कोशिश हो रही है और आपको उस चीटिंग के उस अटैम्प्ट को फेल करना है। आपका ये सहयोग हमें इस तरह की सभी गैंग्स, इस तरह के सभी
बड़े पैमाने पर ऑनलाइन चीटिंग करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने में बहुत बड़ा सहयोग देगा। आपसे इसी अपेक्षा के साथ में मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अपने लोगों में, अपने साथियों में, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग समझ पाएं कि इस तरह की कॉल जो भी उन्हें आ रही है वो सिर्फ चीटिंग के पर्पज़ से आ रही है। कोई पुलिस, कोई भी कस्टम या कोई भी अन्य एजेंसी उन्हें फ़ोन नहीं कर रही, उन्हें व्हाट्सअप नहीं कर रही। आपके सहयोग की अपेक्षा में थैंक यू। भारत माता की रक्षा में जो सैनिक डटे रहे थे, अभी उनके अपने पराक्रम प्रसाद के छोटे लघु नाटिका में ध्यान दिया है। क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या धूप, क्या आंधी, क्या तूफान, वो तो छोड़ो, ये हमारी ट्यूबलाइट ऐसे चला रहा जैसे चना चटनी का चला रहा हूँ। कितना आनंद आया देखकर। कोई सोच सकता है कि सिर के ऊपर कोई नारियल फोड़ दे और हमारा वीर जवान की गर्दन मालूम पड़ा और ऐसा वैसा हो तो गर्दन लग जाए। लेकिन एक एक कला, एक एक भाव हमारे अपने उनके अंदर के जज्बे, इस जज्बे के बलबूते में तो 200 से ज्यादा देश है और भारत का सबसे सम्मान ज्यादा इसीलिए करते हैं कि यहाँ की सेना अपनी इस स्थिति में है। मुझे इस बात का गर्व, एक बार भी, दो बार भी, जब भी मौका पड़ा हमारे सैनिकों ने अपनी बीसी में 21 ही भूमिका अदा की है। मुझे इस बात का गर्व है। कोई भी वर्णवार हो, आजादी के पहले का या बाद का हो, हमारी सेना ने सदैव भारत को गौरवान्वित किया है, लोकतंत्र की रक्षा की। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, आजादी के बाद हमारे साथ भी कई देश और आजाद हुए थे, लेकिन आज उनकी आगे हालत क्या हुई, उनका अपना लोकतंत्र खतरे में पड़ा, उनका अपना बाकी सिस्टम बिगड़ा। लेकिन अगर भारत का वर्तमान ये जो इतना सुंदर और मजबूत है, तो उसकी सबसे बड़ी भूमिका है हमारे सैनिकों के अनुशासन बद्ध रहते हुए अपनी भूमिका में उचित तरह से निर्वहन करना। दुश्मन आग दिखाए तो घर में घुस के मारना, ये नरेंद्र मोदी जी का समय है। हमें इस बात का भी आनंद है। आमतौर पर हम मानव के लक्षण से मानव के आधार पर युद्ध के कौर में जाते थे, लेकिन अब बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय जिस प्रकार से सेना का मनोबल बढ़ा और सेना को लेकर के जो जिस प्रकार से सोचा गया, मुझे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी स्मरण आ रहा है। हमारे अपने कारगिल युद्ध को देख करके पूरा देश अलग दुनिया में, एक अलग प्रकार की चुनौती, दुश्मन ऊपर था, हमारे सैनिक नीचे थे, लेकिन नीचे से जाकर के भी ऊपर जाने के अलावा भारत ने जो पराक्रम किया, ये भूतों में भविष्य में कभी कोई सोच नहीं सकता, वो सेना ने करके दिखाया था। हम लोग मात का गर्व। दल की तरफ से पुनः सुधार समारोह से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं और बातों को पुनः दोहराना चाहूंगा। आशा करता हूं कि आप सभी अपने अनुमानों पर निगाह बनाए हो चुके होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज की तारीख यहाँ पर हम सभी लोगों के लिए एक यादगार तारीख है। एक चीज बहुत क्लियर थी कि हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट, हर चीज को यस और ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, और सबसे बड़ी बात हमेशा हंसते हुए रहते हैं, ये इनका बहुत बड़ी एक यूनिटी है कि जब भी मिलने जाओगे आपको कभी कोई डरना नहीं होगा। कुछ महीने पहले हमने सड़क मार्ग में को बुलाया और भी तमाम जो हमारे लिए बहुत प्रसन्न है और उनको श्रद्धांजलि देना, वहाँ पर भी समय में काम करवाए। उसके बाद जैसे कि ब्रिगेडियर नायक ने आपको बताया कि 6 साल के अंतरकाल के बाद जो राज्य सैनिक बोर्ड की मीटिंग हुई, जिसके अंदर तकरीबन 14 पॉइंट डिस्कस हुए, 10 पॉइंट के ऊपर वहीं पर मीटिंग के अंदर और कौन सी जगह।
अरे ब्रेक होगा बीच में, अपन निकल चले। ब्रेक वही निकल रहा है।